शाम 7:15 बजे। ब्रेकिंग फ्रॉम द खबर आ रही है बिग बॉस के घर से, जहां स्वामी ओम की हुकूमत में राज कर रहे इंडिया वालों की लीक हो गई हैं कुछ गुप्त तस्वीरें। तस्वीरों के सामने आने से एक बार फिर छिन गई है इंडिया वालों से घर की सत्ता। सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि आपको दिए गए साप्ताहिक कार्य राजा और रंग के दौरान सेलिब्रिटीज को स्टिंग ऑपरेशन के रूप में एक गुप्त कार्य दिया गया था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर इस कार्य में जीत हासिल कर ली है। बिग बॉस इसके लिए सेलिब्रिटीज की टीम को ढेर सारी बधाई देते हैं और इस कार्य में विजय हासिल करने के परिणाम स्वरूप घर में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होती है और सेलिब्रिटीज एक बार फिर बनते हैं मालिक और इंडिया वाले उनके सेवक। पर मैं समझा ही नहीं हुआ क्या? रुको रुको समझ लेंगे। अब इंडिया वाले हुक्म की घंटी सेलिब्रिटीज को सौंपकर इस प्रक्रिया को पूरा करें और इसी के साथ आपको दिया गया कार्य भी यहीं समाप्त होता है। सब वही थी। अरे हुआ क्या? हुआ यार, आप किस करवाते रहे, वो गया। पिक उन्होंने लिए, यार। पिक उन्होंने लिए, इनके पास नहीं है। रुको सुन, इनके पास कुछ नहीं था। अगर स्टिंग ऑपरेशन था और हम नहीं पकड़ पाए तो क्लीन विन था। राइट राइट। तो फोटो आपके पास कैमरा था? गौरव के पास है ना कैमरा, दिख रहा है फोटो में? उस किचन में वहां पर जो हम खड़े थे। आप सभी को मुबारक। दोपहर 12:30 बजे। तभी तो मैं गेट खुला छोड़ गया, वापस तो जाना ही था मुझे, सोच के जाऊं। क्या दाए हैं इसको लोपा, इसको साफ नहीं किया था? बैठ के देख रहे तीनों, हमारा काम ही ये शो में। क्यों, हम बेटी को बचपन में नहलाते नहीं है क्या? बेटी को बचपन में नहलाते नहीं है? ये देखो, मन दूषित नहीं होना चाहिए, भाव दूषित नहीं होना चाहिए, इंटेंशन दूषित नहीं होना चाहिए। देखने वाली चीज। अरे उधर करते करते अभी मालकिन हम आपके मालिक बुला रहे हैं यार।
पट्टा लगा बंदा अरे जाएंगे नहीं जकोजी ओए मन्नो ये नहीं जा रही हो कहाँ पे इस फ्राइडे को ये तो अब नहीं जा सकती उसका स्ट्रेटजी है वो इसी पर की दे दे भाई गेम तो समझता है लौंडा तगड़े वाला दोपहर ढाई बजे चलो बंद करो जल्दी बाकी जिसका मिलना रह गया वो हम कॉल और मैं ही मिल लेंगे बाय अरे घर से बात थोड़ी ना जा रहे बस टेक ऑफ हो रही फ्लाइट ज्यादा तो यही थी वैसे पापा करण हे पापा करण हाँ जी कॉम्बिनेशन अच्छा है एक तरफ खूबसूरत हसीना एक तरफ हैंडसम महावीर अच्छा कर, कौन सा के साथ ही है इसको फर्क तो पड़ेगी क्यों कॉल ठीक है जो भी है शाम 5:30 बजे ये बराबर तो क्योंकि लो पकड़ो वो दाल भी गई तेरे हाथ से पकड़ लो नहीं इधर से दे दो दाल कहां गई दाल खत्म पकड़ो पकड़ो ये लो पकड़ पकड़ जल्दी पकड़ के बैठो भी ना देंगे ये लो यार दाल नहीं है इसको भी भारी रख दे मन भी हम बाहर रख देता हूं यार मैं ये मुझे नहीं खाना गुरुजी अरे नहीं ठंडे कल के चावल खाना चाहती कल के नहीं बेटा ये आज के हैं ये अभी बनाए हमने भी ब्रेकफास्ट अभी किया मैं सूखे चावल नहीं खा सकती यार तो दाल अपने वाले में से दाल दे दीजिए ना नहीं है ना दाल नहीं चाहिए आप ले लो उन्होंने खा ली ना और उन्होंने सब्जी और दाल भी खाई है साथ में ले लो पकड़ लो वहां से पकड़ लो अरे तो ये भूखे रह जाएगी अरे नितुआ खा ले ये भूखे रह जाएगी खाना एक तो तुम 4 घंटे हम 3-4 घंटे तो आराम से हो गए हमें यहाँ पे बैठे बैठे इनकी गलती है ना फिर इतना 3 घंटे हो गए और तुमने हमें क्या दिया आके 2 servings ऑफ चावल और 2 हम लोग पहले आधी कटोरियाँ पता है दाल तुम सबसे भी खाने के पहले वी शुड गिव इट टू द जेल वाले गाइस पहले मत दो बाद में दो बट पूरा तो दो और क्या खाना दे रहे हो 1 प्लेट चावल और ये चावल भी शायद कल के हैं उन्होंने उसमें कुछ डाल दिया है जरूरी है बंदा खोने के बाद ही उसकी अहमियत हो टीका वीका कुछ तो छोड़ जाता अपना यार जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है ना वैसे वैसे फट रही है मनु सेठ क्या नाचा बाल खोल खोल के 8 की उम्र में होके यार वो पागल था अपन उसको फालतू गलत बोल रहे थे नवीन के चक्कर में डांटा मैंने उसको क्या दिखा रहा है यार ये घर 7 दिन लगे रहो 1-3 हफ्ते 1 से जुड़ो मिलो भाई तो यहाँ पे होना ही है बच्चे जैसा रो रहा है मुझे मेरी मम्मी के पास जाना मुझे नहीं रहना यहाँ पे अरे हाँ साले टीला कौन बनाएगा बिग बॉस बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर दृश्य दिखाने के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा रात 10 बजे बुढ़ापे में कहाँ से जवानी आ गई मोना और मेकअप थोपने से थोड़ी जवानी आ जाएगी तुम्हारी कितने दिन हो गए हम एक्टिंग नहीं किया है यहाँ भी तो एक्टिंग ही कर रही हो अच्छा तो मैं बैली डांस को ना नहीं आता है मुझे ये देखो ये क्या दिखा रही है अरे बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता भाई छी और कैसे तो लोग हैं जो ऐसी लड़की को वोट देते हैं